जम्मू कश्मीर में मिला भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार। ह्यूज लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन दीज माउंटेन्स ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी बनाने में और लैपटॉप और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। इसका उपयोग मोबाइल लैपटॉप समेत अन्य रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा GSI ने लिथियम और गोल्ड समेत अन्य धातुओं के ब्लॉकों की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। और आपको बता दें कि इससे पहले भारत अर्जेंटीना जैसे देशों पर पूरी तरह से लिथियम के लिए निर्भर था और भारत ने वहां माइंस करने के लिए अपनी कंपनियां भी बैठाई थी। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम के भंडार की यह पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक यानी GSI ने रियासी जिले में पहचान की है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसी उपकरणों की बैटरी के इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता था। रियासी जिले में अब इसके भंडार हैं और इससे भंडार के दोहन की वजह से दूसरे देशों में आयात की निर्भरता भारत में कम होगी, जिससे भारत का बहुत सारा डॉलर बचेगा। आपको बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित किया है। लिथियम एक अलौह धातु है जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करता है और इसके अलावा इसका उपयोग खिलौने और घड़ियों में भी किया जाता है। और इस भंडार मिलने से भारत को इतने ज़्यादा फायदा होगा कि भारत लिथियम के निर्माण में लगभग टॉप देशों में आ जाएगा। और लिथियम का उपयोग आधुनिक जीवन में इतना है कि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है जो बिना लिथियम के संभव हो सके। जय हिंद।